हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मूवीज कार्ड पर। तो आज के इस वीडियो में आप सबके लिए लेकर आ चुका हूँ हॉलीवुड की कुछ बेहतरीन फैंटेसी वेब सीरीज की लिस्ट, जो कि हिंदी डब्ड है और नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। वैसे तो हॉलीवुड में एक से बढ़कर एक फैंटेसी वेब सीरीज है, लेकिन उनमें से अधिकतर हिंदी में डब नहीं है। लेकिन अपन को चाहिए हिंदी कंटेंट ताकि चीजें अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए फिर बिना देरी के देखते हैं आज की ये लिस्ट। लिस्ट में नंबर 5 पर है द सनारा क्रॉनिकल्स। ये 2016 में आई एक फैंटेसी एडवेंचर बेस्ड वेब सीरीज है। इसकी आईएमडीबी रेटिंग है 7.1 आउट ऑफ 10 और 77% गूगल यूजर्स ने इसे पसंद किया है। इस सीरीज में कहानी दिखाई गई है मानव जाति के पतन के हजारों साल बाद की, जहां एम्बरले नाम की एक राजकुमारी एरेट्रिया और विल के साथ मिलकर राक्षसों से इस ब्रह्मांड को बचाने के लिए एक एडवेंचरस जर्नी पर निकलते हैं। तो इस जर्नी में इनके साथ क्या क्या होता है, इनको किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, सब आपको इस सीरीज में देखना है। इस सीरीज के अभी तक 2 सीजन आ चुके हैं, जिसमें टोटल 20 एपिसोड्स हैं। इसे आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देख सकते हैं। लिस्ट में नंबर 4 पर है लॉक एंड की। ये 2020 में आई एक फैंटेसी ड्रामा हॉरर बेस्ड वेब सीरीज है। इसकी आईएमडीबी रेटिंग है 7.4 आउट ऑफ 10 और 83% गूगल यूजर्स ने इसे पसंद किया है। इस सीरीज में कहानी दिखाई गई है 3 भाई बहनों की, जिनके पिता की हत्या कर दी जाती है। पिता की हत्या के बाद ये तीनों भाई बहन अपनी माँ के साथ अपने पिता के ही एक पुराने की हाउस में जाकर शिफ्ट हो जाते हैं। और यहाँ शिफ्ट होने के कुछ ही दिनों बाद ये तीनों बच्चे इस घर में कुछ रहस्यमयी चाबियां खोजते हैं, जिनसे कुछ अलग अलग तरह के जादुई दरवाजे खोले जा सकते हैं। लेकिन मुसीबत तब खड़ी हो जाती है जब इन्हें पता चलता है कि कुछ शैतानी ताकतें भी इन्हीं चाबियों को खोज रही हैं। तो आखिर इन चाबियों से किस प्रकार का जादू होता है और शैतानी ताकतें इन चाबियों को क्यों ढूंढ रही हैं, ये सब आपको इस सीरीज में देखना है। ये सीरीज कुछ स्ट्रेंजर थिंग्स वाली फीलिंग आपको देगी। इस सीरीज के अभी तक 2 सीजन आ चुके हैं, जिसमें टोटल 20 एपिसोड्स हैं। इसे आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देख सकते हैं। लिस्ट में नंबर 3 पर है शैडो एंड बोन। ये 2021 में आई एक फैंटेसी ड्रामा बेस्ड वेब सीरीज है। इसकी आईएमडीबी रेटिंग है 7.6 आउट ऑफ 10 और 81% गूगल यूजर्स ने इसे पसंद किया है। इस वेब सीरीज में कहानी दिखाई गई अलीना स्टार को नाम की एक अनाथ लड़की की, जो रावका के फर्स्ट आर्मी में कार्टोग्राफर का काम करती है। सभी लोग उसे सू समझते हैं और हमेशा उसका अपमान करते हैं, लेकिन असल में वह एक ग्रिसा होती है, जिसके पास रोशनी बुलाने की एक अनोखी शक्ति होती है। और वही है जो पाषंडियों द्वारा बनाए गए काले सायो को मिटाकर कई देशों के लोगों की जान बचा सकती है। तो आखिर अलीना स्टार को अपनी शक्तियों के बारे में कैसे पता चलता है और इसके बाद वह किन किन मुसीबतों में पड़ जाती है और ये काला साया आखिर क्या है जिसे पार करना असंभव है, ये सारी मजेदार कहानी आपको इस सीरीज में देखनी है। बहुत ही कमाल की वेब सीरीज है। इस सीरीज का भी एक ही सीजन आया, जिसमें टोटल 8 एपिसोड्स हैं। इसे आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देख सकते हैं। लिस्ट में नंबर 2 पर है स्वीट टूथ। ये 2021 में आया एक एक्शन फैंटेसी ड्रामा बेस्ड वेब सीरीज है। इसकी आईएमडीबी रेटिंग है 7.8 आउट ऑफ 10 और 95% गूगल यूजर्स ने इसे पसंद किया है। इस सीरीज में कहानी दिखाई गई है कि एक वायरल महामारी के कारण अधिकतर मानव जाति का सर्वनाश हो चुका है और अब जो हाइब्रिड बच्चे पैदा हो रहे हैं उनके आधे अंग इंसानों के और आधे जानवरों के हैं। इन्हीं में से एक बच्चा होता है गस, जो आधा हिरण और आधा इंसान होता है। वह दुनिया में कुछ अनोखी खोज के लिए एक यात्रा पर भाग जाता है, जहां उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे बहुत से बुरे लोग पड़े होते हैं। तो गस आखिर क्यों भाग रहा होता है और क्या इन आधे इंसान और आधे जानवर के रूप में पैदा होने वाले बच्चों के पीछे का रहस्य, ये जब आपको यह सीरीज देखने के बाद ही पता चलेगा। इस सीरीज का भी एक ही सीजन आया, जिसमें टोटल 8 एपिसोड्स हैं। इसे आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देख सकते हैं। लिस्ट में नंबर 1 पर है द डार्क क्रिस्टल्स एज ऑफ रेजिस्टेंस। ये 2019 में एक फैंटेसी ड्रामा एडवेंचर बेस्ड एनिमेटेड वेब सीरीज है। इसकी आईएमडीबी रेटिंग है 8.4 आउट ऑफ 10। इस सीरीज में कहानी दिखाई गई है थ्रा नाम के एक प्लैनेट की, जहां 3 ग्लेफलिंग्स को अपने पूजनीय शासक की शक्तियों के पीछे का एक भयानक रहस्य पता चल जाता है। तो अब ये तीनों इसके खिलाफ विद्रोह कर देते हैं और अपनी दुनिया और अपने लोगों को बचाने के लिए एक यात्रा पर निकल पड़ते हैं। वेब सीरीज एनिमेटेड जरूर है, लेकिन इसकी स्टोरी काफी बेहतरीन है। इसके कुछ कैरेक्टर्स आपको अवतार मूवी के कैरेक्टर्स की तरह नजर आएंगे। इस सीरीज भी अभी तक एक ही सीजन आया है, जिसमें टोटल 10 एपिसोड्स हैं और इसे भी आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देख सकते हैं। ये थी आज की लिस्ट। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।